दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की चोट, सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद तोड़ा मस्जिद के आगे का हिस्सा, अतिक्रमण के नाम पर फिर बनाया मुसलमानों को निशाना। जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने फौरन कार्रवाई रोकने का दिया आदेश, कोर्ट ने प्रशासन को यथास्थिति बरकरार रखने का दिया निर्देश। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी सुनवाई। डॉक्टर कुमार विश्वास के घर सुबह सुबह पहुंची पंजाब पुलिस, ट्वीट करके खुद कुमार विश्वास ने दी इसकी जानकारी। पंजाब चुनाव में कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए थे गंभीर आरोप, पुलिस जांच में सहयोग न करने पर हो सकती है गिरफ्तारी। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की महत्वपूर्ण बैठक, दिल्ली में फिर लौटी कोरोना पाबंदियां, अब फेस मास्क लगाना होगा जरूरी, मास्क न लगाने पर लगेगा ₹500 का जुर्माना, फिलहाल स्कूल नहीं होंगे बंद। WHO चीफ को PM ने दिया तुलसी भाई नाम, गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के उद्घाटन के दौरान WHO प्रमुख ने संबोधन में केम छो बोलकर पूछा था मोदी का हाल। सांप्रदायिक घटनाओं के बीच कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, कर्नाटक में रामायण महाभारत के साथ पढ़ाई जाएगी कुरान, शिक्षा मंत्री BC नागेश बोले इन विषयों पर नहीं होगी कोई परीक्षा। सोनिया गांधी एक्शन में, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बैठकों का दौर जारी, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया, पूछा क्या है 2024 का फ्यूचर प्लान। पश्चिम बंगाल के नदिया गैंग रेप केस में आज BJP अध्यक्ष JP नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी BJP की फैक्ट फाइंडिंग टीम, CBI कर रही है मामले की जांच। CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद नोएडा में 602 मंदिरों, 265 मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर नोटिस, बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस निकालने पर मिलेगी सजा। दिल्ली में लगातार जारी है गर्मी का कहर, आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान, जो सामान्य से 5 डिग्री से ज्यादा। पर्यावरण को लेकर बाइडेन सरकार का बड़ा फैसला, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एनवायरनमेंट पॉलिसी के अहम हिस्से फिर किए बहाल, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेवलपमेंट का हवाला देकर लगाई थी रोक। पाकिस्तान में फिर घमासान, शाहबाज सरकार बनते ही पड़ गई गठबंधन में दरार, कैबिनेट से खुश नहीं है सहयोगी दल, 19 अप्रैल को किया गया था मंत्रिमंडल का गठन। चीन ने आपदा में ढूंढा अवसर, यूक्रेन युद्ध से चीन को मिला मौका, रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हथियार बेचने के मामले में बीजिंग को हो सकता है फायदा, बन सकता है हथियारों का बड़ा सप्लायर। यूक्रेन रूस के बीच जारी है विवाद, अब रूस के प्रति कनाडा ने भी अपनाया सख्त रवैया, राष्ट्रपति पुतिन की बेटियों और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की पत्नी सहित 14 लोगों पर लगाया बैन। UN ने रूस पर दिया बड़ा बयान, कहा पूर्वी यूक्रेन में आक्रमण ने युद्ध को और हिंसक और विध्वंसकारी बना दिया। HDFC बैंक का बड़ा फैसला, फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बैंक ने किया बदलाव, यहां FD कराने पर मिलेगा अधिकतम 5.60% ब्याज, नई दरें 20 अप्रैल 2022 यानी आज से हो चुकी हैं लागू। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को हो रहा नुकसान, कम हो रहे सब्सक्राइबर्स, 100 दिनों में घटे 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, टूटा 10 साल का रिकॉर्ड। अभिनेत्री काजल अग्रवाल और गौतम किचलू ने किया बेटे के नाम का खुलासा, कपल ने बेटे का नाम रखा नील, एक्ट्रेस के पति ने लिखा स्पेशल मैसेज। विमल के विज्ञापन पर ट्रोल होने पर अभिनेता अजय देवगन का आया बयान, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, बोले अगर कोई चीज इतनी गलत है तो फिर वो बिकनी नहीं चाहिए ना, लोग उसे खरीद ही क्यों रहे हैं। IPL में आज दिल्ली और पंजाब के बीच होगी भिड़ंत, मुंबई के ब्रेबरॉन स्टेडियम में खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच, पहले पुणे में होना था मैच।